आपका स्वागत है। मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सह भाजपा नेता राजीव कुमार कन्हैया ने वजीरगंज के भाजपा नेता रंजीत कुमार सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिला प्रशासन का पुतला मुफस्सिल मोड़ पर दहन किया और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि वजीरगंज के भाजपा नेता रंजीत कुमार सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने दिन के उजाले में मंझोली गांव पहाड़ी के समीप गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके परिजनों से मिलने उनके गांव सकरदास नवादा गए थे। उनके परिजनों का बुरा हाल है, यह बड़ा ही आक्रोश का विषय है। कन्हैया ने कहा कि कितने घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक इस सुशासन में एक स्वयं सेवक की हत्या हुई जो आजीवन भाजपा की सेवा करते हैं और अभी तक उसके अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो चिंता का विषय है। इस मौके पर संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, इंद्रदेव कुमार, निरंजन कुमार, रामधन कुमार, संजय शर्मा, परमानंद सिंह, बम कुमार, सूरज कुमार सहित कई लोग पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी ने मांग की है कि संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लॉकडाउन को तोड़ते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अधिवक्ता आदरणीय रंजीत कुमार सिंह जी, जो वजीरगंज के प्रखंड के सकरदास नवाना निवासी थे, गांव के महज कुछ ही दूरी पर मंझौली में अपराधियों के द्वारा दिन के उजाले में 10 बजे दिन में उनको गोलियों का शिकार बनाने का काम किया गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि शुक्रवार को उनकी हत्या अहले सुबह 10 बजे कर दी गई है। मित्रों, हम शनिवार को सकरदास नवादा गए थे, जो उनके परिजन का बुरा हाल है, ये बड़ा ही आक्रोश का विषय है। मित्रों, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज शुक्रवार को हत्या हुई है, आज सोमवार है, इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी इस सुशासन में एक वैसे स्वयं सेवक की हत्या हुई है जो आजीवन भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का काम किया था और अभी तक उसके अपराध में संलिप्त अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी न होना ये सुशासन पर संशय खड़ा करता है। मित्रों, तो आज रंजीत कुमार सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर हमने कह के आए थे सकरदास नवादा वजीरगंज के धरती पर कि हम इस में चुपे बैठने वाले नहीं है। हमने कह दिया है कितने घंटे बीत जाने के बाद भी रंजीत सिंह की हत्या हत्यारों का पता नहीं पुलिस ने लगाया है। इसके विरोध में आज हम लोग मानपुर के जो वजीरगंज का जिला पुलिस मुख्यालय है मानपुर में, आज हम लोग वहां पर पुतला दहन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि अविलंब रंजीत कुमार सिंह जो भाजपा नेता थे उनकी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम जुझारू आंदोलन चलाने का काम करेंगे और लॉकडाउन को तोड़कर आंदोलन को तीव्र करने का काम करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को और सरकार को होगी। और एक बात कहना चाहेंगे मित्रों कि गरीब परिवार से जो बीजेपी नेता था वो गरीब परिवार था, अपने पीछे पूरा परिवार छोड़कर गया है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका कार्यकर्ता मराया है, उसको आर्थिक सहयोग देने का काम सरकार करे, ये भी मैं यहाँ से मांग करना चाहता हूँ।